तो बोनफोर एफएफ के चैनल को मैंने अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे इसे दो पॉइंट्स पता चला, जिसकी मदद से बोनफोर एफएफ की वीडियोस मिलियंस और लाखों में व्यूज आते हैं। अगर तुम भी बोनफोर एफएफ की तरह मिलियंस और लाखों में व्यूज लाना चाहते हो तो ये दो पॉइंट्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसे आपको हर एक वीडियो में अप्लाई करना है। पहली चीज तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चूज करते आना चाहिए, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो दूसरी चीज ये पॉइंट मैटर करती है कि भाई उसके वीडियो क्वालिटी की दम पर भाई हर कोई बंदा वायरल हो रहा है, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो और तुम्हारे भी वीडियो वायरल होगी। तो मित्रों अभी आप तुम्हें वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद कैपकार्ट को ओपन करना है, देन यहाँ से आपको वीडियो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे रेशो वाला चूज कर लेना ऑप्शन, और यहाँ से आपको 9:16 वाला रेशो चूज करना है, और वीडियो पे टैप करके तुम्हें इस तरीके से जूम कर लेना है बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे, और यहाँ से आपका जो भी वीडियो का अनएडवांटेज पार्ट है उसे आपको ट्रिम कर लेना है। अब ट्रिम करते ही आपको वीडियो पे टैप करना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडजस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस जो है ना इसे आपको बढ़ाना है अराउंड 10% या 12 कर देना, और इसके बाद ब्राइटनेस को भी बढ़ाना है 12, सेचुरेशन को 20, एक्सपोजर को 12, और यहाँ से आपको शार्पन का ऑप्शन मिलेगा इसे 100 करना है, और यहाँ से चाहे तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो -5 कर देना। देन इसके बाद आपका वीडियो रेडी हो चुका है। हाँ तो अब आपको जाना है इधर एडजस्ट में, मैं दोबारा से आपको एक क्लियर पे आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ वो आपको करना है, सेचुरेशन आपको 5 करना है, शार्पन को 100 करना है, और इसके बाद आपको आना है कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा सकते हो 5। देखो लेयर में आपका एडजस्ट आ चुका है, लेयर एडजस्टमेंट आ चुका है। तो अभी आपको इफेक्ट लेना है एक, मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेंस वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ से आपको स्मार्ट शार्पन के नाम से मिलेगा, इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है, और ऐड करते ही इसको क्या करना है इसके एडजस्टमेंट पे जाना है, और इसका शार्पन आपको जो स्ट्रेंथ है आपको इसके 30 कर देना है, और जो रेंज है इसे आपको 70% करना है, और आपका सेम बोनफोर एफएफ की तरह क्वालिटी आपको मिल जाएगी, और फिल्टर को आपको यहाँ पे कम करना है और ब्लर को भी आपको 0 करना है, तो ये आपका सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगा बोनफोर एफएफ की तरह। अगर तुम थोड़ा छेड़खानी करते हो, मतलब आपका एक यूनिक इफेक्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी में आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेनी होगी, जैसे कि आपको शार्पन को डिक्रीज करना कर लेना होगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ 23 और इसको मैं कर देता हूँ 55। तो इस तरीके से आप लोग अपना एक यूनिक क्वालिटी तुम बना सकते हो। सो ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें सेम कॉपी करना है तो आपको ऊपर का जो है 30 करना है और आपको 70 करना है, तो आपको बोनफेयर एफएफ की तरह वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया, अगर तुम्हें भी इस टाइप से बनाना सीख गए होगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय।